उफ, ये लड़कियां, इनकी लड़कियों को ठंड नहीं लगती है मतलब, क्योंकि यहाँ पे 6 घंटे के लिए 50 रुपीज़ पार्किंग थी और हमको हो गए 8 घंटे, तो भैया कहीं मिल ना जाए। और हाँ जी, पर्ची 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 लो भैया। ठीक है, ओके। इट वॉज सो नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस हमसे नहीं लिए, ही वॉज जस्ट कन्फर्मिंग कि हम अपनी ही बाइक्स लेके जा रहे हैं कि नहीं। और अब चले गए हम लोग मैकलोड में, एंड नाउ दिस इज़ द मेन स्पॉट, और ये ऊपर को रास्ता चला जाता है धर्मकोट को। एंड आई होप गाइस कि आज जो है हमको वो ट्रैफिक ना मिले, लेकिन सैटरडे नाइट है, कल संडे है, तो ट्रैफिक ना हो ऐसा मैकलोड में हो नहीं सकता। उफ, ये लड़कियां, इनकी लड़कियों को ठंड नहीं लगती है मतलब। अपन इधर इनर्स डाल डाल के घूम रहे हैं और तब भी इतनी ठंड लग रही है। लड़कियां पता नहीं भाई, ना इनको शादियों में ठंड लगती है, ना इनको टूरिस्ट प्लेसेस पे ठंड लगती है। देखो ट्रैफिक ब्रो, इसी चीज़ का एक डर रहता है यहाँ पे बस। एंड ये प्लेस है यहाँ पे, देयर इज़ अ शूटिंग ऑफ शेरीमान सॉन्ग, तेरे मेरे प्यार का गवार अज मिलदा, अज कल कोठे उत्ते कन्ना चल मिलदा, ऐसा कुछ। और ये है दलाई लामा का टेंपल, बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं अंदर रिसाइड करते हैं। कल आपको सुबह यहाँ के भी दृश्य दिखाएंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं धर्मशाला पेट्रोल फ्यूल अप कराने, बिकॉज आप देख सकते हैं डिस्टेंस टू एम्प्टी एकदम ज़ीरो हो गया और ब्लिंक भी कर रहा है, तो अभी के लिए निकलना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको सीधा अभी धर्मशाला में। पेट्रोल पम्प टू रिफ्यूल, गुड थिंग, अदरवाइज और ज़्यादा नीचे जाना पड़ता, इतना रश हो भाई। ओके, वॉल्वो है ये, चलिए। तीन सौ। हाँ फाइनली पेट्रोल, नहीं तो खज्जल हो जाते हम लोग गंदा वाला। और यहाँ पे पेट्रोल 97.42, ओके, तो 94.88 क्या है, 300। एंड गाइस, हिमाचल प्रदेश में जो पेट्रोल पंप है मैकलोड में, वो 94.88 पर लीटर, आप देख सकते हैं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 94.88। सुसु, तो जम्मू से मैकलोडगंज का जो रास्ता है उसके जो किलोमीटर्स हैं, हमने ट्रिप मारी हुई थी उस टाइम पे, और टोटल किलोमीटर जो हमको पड़े हैं वो पड़े हैं 185 किलोमीटर्स, जिसको कवर करने के लिए हमें लग गए 3.5 घंटे। ठीक है, और रुक रुक के आए हैं बीच में, और बीच में स्पीड से भी आए हैं। स्पीड से इसलिए आए थे क्योंकि उस टाइम पे टाइम हो रहा था और हमें 11:55 तक पहुंचना था मैकलोड। अदरवाइज़ आप देखिए, अगर आप आराम से आ रहे हैं और रुक रहे हैं, रुकना तो पड़ता ही एक दो जगह पे, तो आपको लग जाएगा गैस 3 घंटे से पहले तो आप पहुंच नहीं सकते, और 4 घंटे से ज़्यादा आप लेट भी नहीं होंगे। तो इतना ही रहता है 185 किलोमीटर्स। और 2 दिन हो गए हमको यहाँ पे मैकलोडगंज में, आज 1st of January है, और कल भी हम लोग यहीं पे स्टे कर रहे हैं, कल संडे है गैस, और उसके बाद कल रात को या फिर मॉर्निंग में 5-6 बजे के करीब हम लोग निकलेंगे जम्मू के लिए, बिकॉज वी हैव अ ऑफिस ऑन मंडे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स काउंट कंप्लीट हो जाए और वॉच टाइम ख़त्म हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए। आफ्टर दैट देर विल बी नो ऑफिस फ्रॉम माई एंड, आई विल गिव फुल टाइम टू यूट्यूब, बट देखते हैं पहले ये पार्ट कंप्लीट हो जाए, पहले मैं ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहता। उसके बाद ट्रैवल ही ट्रैवल रहेगा गाइस, मैं नहीं रुकूंगा बीच में कहीं भी। हाँ, द बेनिफिट्स ऑफ बाइक, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी गाइस, गाड़ी हमारी ऐसी फंसी की फंसी रह गई हुई थी, बट इस बार नहीं, इस बार अपने पास बाइक है। वैसे भी कहीं लेट नहीं हो रहे हम लोग, और इस जगह पे रश होना ही होना होता है, चाहे आप जो चाहे वो कर लीजिए। एंड वी आर एट द मेन स्पॉट, तो आज ढूंढ रहे हैं हम लोग अभी रूम, और जाएंगे बाक्सू वाली साइड पे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम मैं इसी साइड पे रुकता था, बट अमन सेज की वो वाली साइड पे ज़्यादा चील है, तो लेट्स फाइंड अ रूम दैट वे।
तो गैस आज हमने बागसू नाक कर दिया, ट्रायउंड तब करेंगे जब ट्रैकिंग वगैरह करनी होगी, और बाकी ये जो सैंड जोन चर्च एंड डल लेक एंड नड्डी एंड टेम्पल ये सब करेंगे हम कल। बैल्कनी? नो बैल्कनी, बैल्कनी नहीं है सर। हाउ मच विद बैल्कनी? मतलब रूम ही नहीं आपके पास? ठीक को। अमन ने फाइनल किया है, मैंने अभी तक देखा भी नहीं है, अच्छा ही होगा। ओके दिस इज अ रूम, नाइस। बस हाइट पे मिल जाए यार। ये वाला है? ओके यही कहीं लौंडे ने ढूंढा हुआ है रूम, आई होप अच्छा हो। वाओ बहुत स्पेशियस है यार। बैल्कनी भी मिल गई फाइनली। हो अब बढ़िया, सुबह दिखेंगे यहाँ से पहाड़, सुबह के टाइम दिखाएंगे आपको। तक हमने ट्रैकिंग वगैरह करी, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, और आज हम लोग गए हुए थे बागसू नाक वाली साइड, शिवा कैफे वाली साइड, और थोड़ा सा हमने 40% ट्रायउंड का रास्ता भी देखा। ट्रैकिंग हम अभी नहीं कर रहे क्योंकि ट्रैकिंग के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट हम क्रिएट करेंगे। पहले जो ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे वो JNK के जितने भी स्पॉट्स हैं ट्रैक के लिए, वहाँ पे जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ भी जाएंगे, एंड एट लास्ट माउंट एवरेस्ट। और अमन ने ली है गाइस न्यू टोपी, लुक एट हिज टोपी। और रूम हमारा कुछ ऐसा है, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो बाकी जो रूम के व्यूज़ हैं और सुबह के टाइम पे आपको बैल्कनी से हम लोग दिखाएंगे मॉर्निंग व्यूज़। तो सो जाइए, गुड नाइट, टेक केयर, हर हर महादेव।